हेलो ऑल, वेलकम टू टूटीगेट। प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कंप्लीट किए थे। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये हमारा पैरेललोग्राम का साइन है। आप ऐसे पैरेललोग्राम ना लिख के ऐसे लिख सकते हो, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है। Whose area is 54 centimeter square and the base is 15 centimeter. तो AB अगर हमारा base हुआ तो वो 15 centimeter, ठीक है, और उसका area भी given है, height उसका हमको चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, area 54 centimeter square, base इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। एरिया का फॉर्मूला पुट करते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट, है कि नहीं। हाइट हमको फाइंड करना है तो एरिया ऑलरेडी गिवन है, एरिया का वैल्यू पुट कर लेते हैं 54 इक्वल टू बेस का वैल्यू 15 इनटू हाइट को हम एच ले लेते हैं। एच हमको चाहिए तो 54 डिवाइडेड बाय 15 है कि नहीं। तो 54 डिवाइडेड बाय हम कैसे करेंगे, इसको हम 3 में कट करेंगे, सॉरी 3 5 जा और इसको कट करेंगे 3 1 जा और 2 3 8 जा 24, तो 18 डिवाइडेड बाय 5। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 3.6 जो कि यूनिट होगा हमारा सेंटीमीटर। तो हेच हमारा कितना, जो कि हाइट है, हाइट वो हमको पूछा था, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, फाइंड द हाइट, देयरफॉर हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 3.6 सेंटीमीटर, फाइनल आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो बेस हमारा कितना 18 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 153, एरिया इज इक्वल टू 153 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गिवन साइड फ्रॉम इट्स ऑपोजिट साइड, मतलब ये अगर हम AB को बेस लेंगे और उसको 18 सेंटीमीटर हम मानेंगे तो ये जो लाइन है, मतलब ये बेस है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गिवन साइड, मतलब ये गिवन साइड है जिसका वैल्यू हमको दिया गया है, वहां से ऑपोजिट साइड को जो हाइट है वो ही हमारा डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस का वैल्यू हमको फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे, बेस एरिया, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, है कि नहीं। एरिया हमारा ऑलरेडी गिवन है 153, बेस 18, हाइट को एच ले लेंगे, हाइट हमको चाहिए तो 153 डिवाइडेड बाय 18 है कि नहीं, हो गया। तो इसको कट करेंगे, किस पे कट करेंगे, 3 पे कट करेंगे, 3 6 जा 3 5 ये 1, मतलब 51/6, करेक्ट। इसको हम कट करेंगे फिर से 3 में, 3 2 जा 3 1 जा 3 और ये 3 7 जा, मतलब 17/2 जो कि अगेन कट करेंगे 2 में फाइनल, तो 8.5 और उसका जो यूनिट है सेंटीमीटर पे दिया गया है, तो यूनिट सेंटीमीटर पे, तो ये हो गया हमारा हाइट। देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द गिवन साइड, आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि फाइंड द डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ द गिवन साइड फ्रॉम, बस आप इसी क्वेश्चन से इसको ड्रॉ कर लोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कौन सा लाइन हमको फाइंड करना है, क्या हमको फाइंड करना है, करेक्ट। फ्रॉम इट्स
opposite side is 8.5 centimeter. Answer. Next question. Question number 6. In a parallelogram ABCD, A, B, C, D, ये आपके बुक के क्वेश्चन में गिवन है, ऑलरेडी ये फिगर भी गिवन है, आपको खुद से नहीं करना पड़ेगा, ये फिगर बुक में है. ए बी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर, ए एल परपेंडिकुलर टू डी सी, ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी. मतलब सेम पैरेललोग्राम में दो लाइन ड्रॉ किया गया है और एक बेस, दो बेस बनाया गया है, दो बेस से एक एक हाइट को ड्रॉ किया गया है. आपको एक एक हाइट का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है जो कि ए एल इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर यहां से यहां तक लेंथ का, और फाइंड आपको ए टू एम, एम का लेंथ हमको पता करना है. पर सेम पैरेललोग्राम है तो मैं यहाँ ड्रॉ करके आपको दिखा देती हूँ. फर्स्ट हमारा ये जो पैरेललोग्राम है, यहां से यहां का एक पॉइंट है और ये सेम टू सेम पैरेललोग्राम है जिसका बेस ये है और ये उसका हाइट है. आप ऐसे लो या ऐसे लो, नेम सेम है, सेम पैरेललोग्राम है, करेक्ट. ये साइज पे आप मत जाना, बस सेम में नेमिंग किया हूं और सेम पैरेललोग्राम, बस उसका क्या करना है, उसका जो हाइट है पहले ये गिवन है, इसमें से हम एक वैल्यू निकालेंगे, इसमें से ये जो हाइट है हमको निकालना है, वो कैसे हम यहां पर देखेंगे. तो फर्स्ट एबीसीडी पैरेललोग्राम फ्रॉम एबीसीडी, ऑलरेडी तो पैरेललोग्राम गिवन है ना, फ्रॉम पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर जो कि हमारा बेस है, ये हमारा बेस है, करेक्ट. पहले हम इसको बेस लेके इसका एरिया निकालेंगे. बेस गिवन है और हाइट आल्सो गिवन है, ये भी 6.4 गिवन है ना, और ये 18 सेंटीमीटर गिवन है, करेक्ट. तो हाइट, हाइट इज इक्वल टू ए एल, ये ए एल वो कितना है 6.4 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी हम निकाल सकते हैं, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. बेस कितना 18 सेंटीमीटर, मैं यहां पर ए बी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर दिया गया है, उसी में से आपको कौन सा बेस है कौन सा हाइट है आप निकाल के फाइंड करना है एरिया का. तो 18 इंटू हाइट कितना 6.4, तो 18 इंटू 64, इतना 1, ये कैरी 1 है, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, 11 1152. और एक डिजिट से पहले पॉइंट है तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और उसका यूनिट सेंटीमीटर, जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसको हम इरेज कर लेते हैं. 115.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है. तो सेम पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख देंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू 115.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. बेस हम किसको लेंगे, इस फिगर को लेंगे, ठीक है, फिगर 1, देन फिगर 2, ऐसे भी आप लिख सकते हो. तो फिगर 2 में हमारा बेस बी सी लेंगे, बेस इज इक्वल टू बी सी कितना 12 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट हमको पता करना है कि नहीं, 1 IG, इसी में से हमको इजी हो गया, ये कहां से कहां हम क्या फाइंड किए जो कि हमको सॉल्यूशन मिल गया. तो एरिया, हाँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, और बेस, तो ए
एरिया का वैल्यू, एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, और एरिया में 115.2 इज इक्वल टू बेस 12 इंटू हाइट, हाइट इज इक्वल टू 115.2 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1152, उसको पॉइंट हटा लेंगे, 12 इंटू 10 इसको 4 में कट करेंगे, 4 थ्री जा इसको कट करेंगे, 4 टू जा नेक्स्ट, 4 एट जा नेक्स्ट, 4 एट जा इसको फिर से कट करेंगे, 3 में 3 9 जा 27 3 6 जा, तो 96 डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा, 9.6 सेंटीमीटर हमारा हाइट, ठीक है। तो हाइट इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू कितना, 9.6 सेंटीमीटर, जो कि हमारा फाइनल आंसर है कि नहीं, करेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।